पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th, जो कि आप यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं में है तो आज इस मॉडल पेपर को देखेंगे जो 2022-23 से मिलता जुलता रहेगा। ठीक है, कक्षा 10वीं का है, विषय हिंदी, जो दो खंड में दिया है, खंड अ और खंड ब में। तो आपका मॉडल पेपर आ चुका है 2023 का। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें से कुछ प्रश्न आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं और प्री बोर्ड के एग्ज़ाम में तो मैक्सिमम क्वेश्चन बज जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं कि इस वीडियो में मैं बताऊंगा बस इसमें प्रश्न, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे मैं इसका सॉल्यूशन चलाऊँ तो आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं, जैसा कि आपको मालूम होगा। अपूर्णांक आपके होते 70 नंबर के, क्योंकि 30 नंबर आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है। ठीक है, निर्देश दिए गए हैं 6 ठो, तो उनको पहले हम लोग देख लेते हैं। निर्देश पहला है आपका, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, सेकेंड आपको निर्देश दिया गया है, प्रश्न पत्र 2 खंड में है, पहला अ है और दूसरा ब में विभाजित किया गया है। प्रश्न निर्देश 3, निर्देश 3 में आपको बताया गया है प्रश्न पत्र के खंड अ में जो बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओ एम आर सीट के नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। ठीक है, अगर आप नीला पेन लेके गए हैं तो उससे बनाइए, और नीला और काला का उपयोग करना है, लाल का उपयोग नहीं करना है। ठीक है, ओमआर सीट पे गोला बनाना है बहुविकल्पी प्रश्न के लिए केवल। ठीक है, और पांचवा आपको निर्देश गया, चौथा निर्देश है, खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न 1 अंक निर्धारित है। जो बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिया रहेगा, 1 प्रश्न 1 नंबर का है। निर्देश 5वां है, प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। 6वां आपको निर्देश दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब है कि प्रश्न जो दिया है उसका मार्क्स कितने का है, वह बगल में पूर्णांक आपको लिख के दिया रहेगा। जैसा कि अब स्टार्ट करते हैं वीडियो, स्टार्टिंग करने से आपको पहले बता देता हूँ कि ये खंड अ का है। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न खंड अ का है, जो पूर्णांक आपको दिया है 20 नंबर का। तो प्रश्न 1, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग, दूसरा ऑप्शन है द्विवेदी युग, तीसरा ऑप्शन है शुक्ल युग और चौथा ऑप्शन है शुक्लांतर युग। तो इस चारों में ऑप्शन में कौन सा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा इसका सॉल्यूशन सहित। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, आज इस वीडियो में बस हिंदी का मॉडल पेपर देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश का, ऐसे ही सब सब्जेक्ट का देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिससे आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, प्रश्न 2 है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है आपको बताना है, निबंध, कविता, नाटक, कहानी, इनमें से कौन सा है, आप ओमआर सीट पे सर्कल बनाएंगे। अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिख दीजिएगा कि मुझे आ रहा था ये क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न 3, गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की, कि जयशंकर प्रसाद, निराला की, कि हरि कृष्ण प्रेमी? यहाँ पे गबन का तो मैं भी बता सकता हूँ, मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 आपका शुक्ल युग की समय विधि बताना है, शुक्ल युग की जो समय विधि है। तो पहला ऑप्शन है 1936 से लेकर 1943 तक, दूसरा ऑप्शन है 1919 से लेकर 1938 ईस्वी तक, और तीसरा ऑप्शन है 1900 से 1918 तक, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, प्रश्न 5 देखते हैं, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ठीक है, यह आपका ऑप्शन जीवनी, या तो आत्मकथा, या तो साक्षात्कार, भेंटवार्ता, ठीक है, यार रेखा चित्र से, जिससे भी हो आप लोग खोजिएगा, अपने से पहले पेपर सॉल्व करिएगा। ठीक है, तब उसके बाद कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा कि मैंने ये प्रश्न अपने से किया। ठीक है, अगर आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं अभी भी। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद, मुझे ये प्रश्न आ रहा है, आप लोग नोट करते जाइए, उसका कमेंट कर दीजिएगा। तो चलते हैं प्रश्न 6 की ओर। प्रश्न 6 में आपको दिया है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? पहला ऑप्शन द्विवेदी युग, दूसरा ऑप्शन भारतेंदु युग, और तीसरा ऑप्शन प्रगतिवादी युग, और चौथा ऑप्शन छायावादी युग। ठीक है, इन चारों में से जो भी होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता रहा हूँ, अपलोड करूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, प्रश्न 7 देखते हैं, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला आपको बताना है, पहला रामधारी सिंह दिनकर, की हरिऔध, की हरिवंश राय बच्चन, और की चौथा ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत। चारों में से किसी का भी हो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। प्रश्न 8 देखते हैं, भारत भारती किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन है सियाराम सरण गुप्त, दूसरा ऑप्शन है मैथिली सरण गुप्त, तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद,
चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। चारों में से जो भी हो कमेंट करके जरूर बताएं। प्रश्न नौ देखते हैं, आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल, ठीक है, आपको पहला ऑप्शन दिया है सन 1843 ईस्वी से अब तक, और दूसरा ऑप्शन है 1643 ईस्वी से 1843 तक, और ऑप्शन थर्ड दिया है सन 1918 से 1936 तक, चौथा ऑप्शन दिया है 1936 से 1943 तक। प्रश्न 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न 10 में आपको दिया है मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं? तो पहला ऑप्शन आधुनिक काल, दूसरा आदिकाल, तीसरा भक्ति काल और चौथा रीतिकाल। इन चारों में से जो भी हो कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, इसका सॉल्यूशन जल्द ही अपलोड होगा 24 घंटे के अंदर में, ठीक है, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं प्रश्न 11वें की ओर। प्रश्न 11वें में आपको दिया है हास्यरस की स्थायी भाव। हास्यरस का स्थायी भाव तो आप लोग खुद जानते हैं हास होता है, इसका तो आंसर बताने लायक अभी कमेंट कर दीजिएगा, तुरंत इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत कमेंट कर दीजिएगा हास, ठीक है। मैंने प्रश्न 11 का हल किया, तो पहला शोक, दूसरा रति, तीसरा हास और चौथा निर्वेद, तो इसमें से ऑप्शन थर्ड आपको हास इज अ राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12वें की ओर चलते हैं। प्रश्न 12वां क्या है? सोहत ओढ़े पीठ पतु श्याम सलोनी गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें से आपको बताना है कौन सा अलंकार है। पहला दिया है जैसे उपमा अलंकार, दूसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा रूपक अलंकार और चौथा श्लेष अलंकार। चारों में से जो भी होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न 13वां, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3, 2, 4, 5, जो भी हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न 14वां है, आकर्षण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? आकर्षण, तो यहाँ पे प्रश्न एक आपका वी, दूसरा मान, तीसरा क, चौथा ऑप्शन आपका आ है, ठीक है। जो भी हो आप लोग जान रह चुके हैं कि कमेंट में बताना है या आपने इसे सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन तो मैं चढ़ाऊंगा पहले। एक लोग आप लोग इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न 15वां देखते हैं, प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय के कितने भेद हैं? 2, 5, 6, 3, तो इस चारों में से कोई भी हो सकता है, तो आप लोग कमेंट करिएगा, अपने से करिएगा, तब मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा 24 घंटे के अंदर में। प्रश्न 16वां, पीतांबर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, चारों में से कोई भी हो सकता है, आप लोग जरूर बताइएगा। प्रश्न 17वां, ठीक है, आंसू का तत्सम रूप, आंसू का अश्रु, अशु, अंशु, ठीक है, पहला ऑप्शन अश्रु, दूसरा ऑप्शन अंशु और तीसरा ऑप्शन रोना और चौथा ऑप्शन आंख, इन चार में से कोई भी होगा आपको मालूम है, मैं जानता हूं कि ये इतना सरल क्वेश्चन दिया था, ठीक है। प्रश्न 18वां चलते हैं, यण संधि का सूत्र है आदिगुण, ठीक है, अकस्वर्ण दीर्घ, इको यड़ाची, वृद्धि रेची, यण संधि का क्या है आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है, सूत्र बताना है संधि का जो सूत्र होता है। प्रश्न 19 देखते हैं, फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है, खष्टी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, खष्टी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, चारों में से जो भी हो आप जरूर बताइएगा। प्रश्न 20 की ओर चलते हैं, अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है, द्विवचन प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन, बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, तो इन चारों ऑप्शन में से जो भी है जरूर बताइएगा। तो आपका बहुविकल्पी प्रश्न खंड ए का खत्म हो गया, जो कि 20 प्रश्न देता है पहले ओमआर सीट पे, आपको इसमें गोला बनाना है, ठीक है, 20 प्रश्न आपको करना था ओमआर सीट पे, ठीक है, ये हो चुका। अब नेक्स्ट चलते हैं वर्णात्मक प्रश्न, जो कि आपका पूर्णांक 50 नंबर का रहेगा, जिसे खंड बी के नाम से अब जाना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है जो कि आपका प्रश्न एक है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित तीन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जो कि आपको तीन प्रश्न दिए गए, दो दो नंबर के दिए गए हैं, तीन प्रश्न को आप करेंगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं किस चैप्टर का गद्यांश है, तो पढ़ते हैं थोड़ा सा, यह कोई बात नहीं है कि स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, जो गुण हममें नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो, चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बली का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था, नीति विरासत, ठीक है, विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो ये आपको बताना है कमेंट में किस चैप्टर से गद्यांश है। अब प्रश्न की बात कर लेते हैं, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ पहले लिखना है, ठीक है, संदर्भ लिखना है। फिर सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, जो कि यहां से लाइन दिया गया, यह कोई बात नहीं है
कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इतना का ही आपको गद्यांश का रेखांकित गद्यांश का आपको व्याख्या करना है, ठीक है, इनका अर्थ समझ लीजिए, लिखना है। बात करते हैं तीसरा प्रश्न जो है, तीसरा प्रश्न आपको दिया है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, ठीक है, अथवा करके एक आपको और पैराग्राफ दिया रहेगा, अगर आपको वो अलावा नहीं आ रहा है तो दूसरा भी वही 6 नंबर का ही रहेगा, अथवा करके चाहे आप ये करिए चाहे ये करिए। तो ये वाला देखते हैं किस चैप्टर से दिया गया है। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को दो मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है, ठीक है। आपको पहला प्रश्न देखिए सेम रहेगा, उपयोग गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और दूसरा प्रश्न भी सेम रहेगा, गद्यांश की रेखाकृत अंश की व्याख्या करना है, ठीक है, स्पष्ट करना है, भाव स्पष्ट करना है, जो कि ये लाइन दिया है, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी का क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा, तो इसका क्या करना है, व्याख्या करना है, ठीक है। थर्ड देखते हैं, तीसरा प्रश्न है आपका, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, ठीक है, ये आपका कंप्लीट होता है, गद्यांश में आपको 6 नंबर का ये आता है। अब प्रश्न दो की ओर चलते हैं, खंड ब में दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है, इसमें भी आपको 3 प्रश्न हैं जो कि 2-2 नंबर के हैं, आप पूरा तीनों प्रश्न करेंगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। जो खंड ब है वो आपका 50 नंबर का है समझिए, और खंड अ जो है 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो ओमार सीट पे करना था। अब बात करते हैं इसमें कौन सा गद्यांश में दिया है, ठीक है, प्रश्न दो आपसे पूछा गया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, उसमें गद्यांश पूछा था पहले प्रश्न में, अब इसमें पद्यांश जो कि आपका गद पद जो चैप्टर बटे हुए रहते हैं, ठीक है, तो ये देखिए किस चैप्टर से आया, चरण कमल बंदो हरिराय जा की कृपा पंगु गिरी ले हो, अंधे को सब कुछ दर्शाए बहिरो सुन गुंग पुन बोल, रंग चले सिर छत्र धराय सुरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाए, ठीक है। इस चैप्टर में आपको पहला प्रश्न ये जरूर पूछेगा कि उपयोग पद्यांश का संदर्भ लिखिए, यही पूछेगा, और दूसरा प्रश्न आपका रहेगा रेखा के अंश की व्याख्या कीजिए, जो कि यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, बहिरो सुने गूंगे पुनः बोले रंग चले सिर छत्र धराय, ये दोनों आपको लाइन की अर्थ लिखना है संदर्भ में, ठीक है, व्याख्या करना है, व्याख्या, ठीक है, अर्थ इसका मतलब लिखना है। प्रश्न 3 इसी में से पूछा रहेगा, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ठीक है, उपयोग ये जो पंक्ति है उसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। अब बात करते हैं अथवा इसमें भी करके आपको दिया रहेगा, अगर एक नहीं आ रहा तो दूसरा आना चाहिए, ठीक है। सुनी सुंदरी वैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन तिन्हे समूह झाए, कुछ मुस्काए चली, तुलसी ते ही अवसर से ही रावे अवलोकित लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय विगसी मनु मंजुल कज कली, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रश्न पहला आप लोग देख लीजिएगा कौन से चैप्टर का है, मैं तो वीडियो बनाऊंगा एक सॉल्यूशन का जो कि आपको जल्द ही प्रोवाइड हो जाएगा। तो इसमें पहला आपको दिया रहेगा उपयोग गद्यांश का पद्यांश का संदर्भ, पद्यांश का यहाँ पे क्योंकि गद्य तो हो चुका, अब पद्यांश का हमको संदर्भ लिखना है, और दूसरा रहेगा रेखाकित अंश की व्याख्या जो ये आपको दिया है, अनुराग तड़ाग में भानु उदय विगसी मनु मंजुल कंज कली, तो इनका क्या करना है, अर्थ लिखना है, व्याख्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न 3 आपसे पूछा है, अनुराग तड़ाग तथा मनु मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है, ठीक है, कौन सा अलंकार है और व्याख्या करना है और संदर्भ लिखना है, तीनों मोस्ट हैं, ठीक है। प्रश्न 3 की ओर चलते हैं, जो कि आपका दिया गया है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है, जो दिया रहेगा उसका अगर आप संदर्भ लिखते हैं, ठीक है, संदर्भ संस्कृत आप लिखते हैं तो 2 नंबर मिलेगा, अगर आप हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा, जो कि आपका टोटल प्रश्न 3-5 नंबर का है, 2 नंबर आपको संदर्भ लिखने पे मिल रहा है और 3 नंबर आपको ट्रांसलेशन उसका करने में हिंदी में करेंगे, संस्कृत से हिंदी में उसको ट्रांसलेशन कीजिए और 5 नंबर पा जाइए, ठीक है।
तो यहाँ पे देखते हैं पहले कौन कौन सा दिया, इसमें भी दो ठो दिया है अथवा करके। तो पहला देखते हैं, पहला कौन से चैप्टर से दिया गया है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा च केंद्र स्थलम अस्ति, इत एवं संस्कृत वाड़म्पस्य संस्कृत तेस्य आलोक सर्वतः प्रसिद्ध, मुगल युवराज द्वारका दिशो कोह अत्र गत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत, सतेषां ज्ञाना ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत यत येन तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषा करती। तो ये किस चैप्टर का इसका संदर्भ और आपको अनुवाद करना है, अथवा करके अगर ये नहीं आ रहा तो एक और दिया गया है, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति अस्मांक पूर्वजा मानव जीवन संस्कृतु महानता प्रत्यनतम अकुर्वन तो अस्मांक जीवनम जीवनस्य संस्कारार्य यान आचारणम विचारण च अदर्शयनम तत् सर्वम अस्मांक संस्कृत। इसका भी आप लोग अगर ऊपर वाले का नहीं आ रहे हैं अनुवाद और संदर्भ तो सेकंड वाला देखिए, जरूर आपको आ जाएगा अनुवाद और संदर्भ। प्रश्न चार की ओर चलते, प्रश्न चार है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, प्रश्न चार क्या कर रहा है, संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ और अनुवाद। ठीक है, ये भी आपका दो नंबर का संदर्भ और तीन नंबर का अनुवाद रहेगा जो कि पद से आता है। ठीक है, पद्यांश में रहेगा, कहानी काव्य में से। ठीक है, जैसे दिया है, मान हित्वा प्रियो भवति क्रोध हित्वा न सोचति काम हित्वा वर्धयन भवति लोभ हित्वा सुखी भवति, अथवा करके अगर नहीं आ रहा है तो एक दूसरा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ठीक है, अगर दोनों में से आ रहा है आपको तो एक ही करना है तो एक ही करिएगा। ठीक है, प्रश्न पांच की ओर चलते हैं, प्रश्न पांच करेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, तीन नंबर का। प्रश्न पांच जो है आपको तीन नंबर का, जैसे यहां पे दिया, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ठीक है, ये अपने जिले वाइज में होता है, जिला जैसे आपका मिर्जापुर हो, लखनऊ हो, प्रयागराज हो, तो सबके लिए अलग अलग बना हुआ है। ठीक है, ये आप लिखेंगे तो तीन नंबर मिलेगा खंड काव्य। जैसे आप लोग देख लीजिए, मेवाड़ मुकुट पे खंड काव्य लिखिए, मेवाड़ मुकुट पे या अग्रभुजा जय सुभाष मातृभूमि, ये आपके ये चैप्टर आपको आना चाहिए, ये आपके जिले से होता है, आपको याद कर लेना है, ये आपको तीन नंबर का आएगा। आप बुक खोलेंगे वहां पे जिले वाइज आपको खंड काव्य मालूम होगा, लिखना रहता है। ठीक है, मैं सबकी वीडियो अपलोड कर दूंगा जितने भी दिए, जैसे तुमुल खंड काव्य, कर्मवीर भरत, कर्ण खंड काव्य, मातृभूमि जय सुभाष, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, ज्योति जवाहर खंड काव्य, मुक्ति दूत। ठीक है, इन सभी का मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा और आंसर में भी बता दूंगा। ठीक है, प्रश्न छह की ओर चलते, प्रश्न छह में आपको आ गया, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, जो कि आप लिखेंगे तीन नंबर का जीवन परिचय और उनकी कृतियां या रचना लिखेंगे तो दो नंबर, तो आपका टोटल ये गद्य से आपको पांच नंबर जीवन परिचय का मिलेगा, गद्य से है पांच नंबर का, पद से भी दिया है अभी उसको बताते हैं। तो आपको जीवन परिचय किसका लिखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीनों ही मोस्ट है यूपी बोर्ड 2023 के लिए मॉडल पेपर के लिए। ठीक है, तीनों ही रट डालिए, इसको अभी से लग जाइए, तीनों का एकदम विधिवत याद कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न छह चलते हैं, प्रश्न छह का ख, ठीक है, जैसे छह का ख क था पांच नंबर, वैसे छह का ख है लेकिन यह पद्यांश के दिया गया। ठीक है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, जो कि आप लिखेंगे जीवन परिचय तो तीन नंबर और रचना लिख देंगे दो नंबर, तो टोटल मिला के आपको पांच नंबर मिल जाएंगे, यहीं से आपका दस नंबर कंप्लीट होगा। देखिए, पहला आपको गोस्वामी तुलसीदास, दूसरा सुमित्रानंद पंत और तीसरा महाकवि सूरदास। अगर आप गद्य का भी जीवन परिचय लिख दे रहे हैं रचना और पद में का भी जीवन परिचय रचना लिख दे रहे हैं तो आपका दस नंबर यहाँ पे टोटली फिक्स है, ये तीनों ही मोस्ट है, इसमें का भी, गद्य में का भी और पद में का भी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी से याद करना शुरू कर दिए, अभी तो आप सो रहे हो तो उठ जाइए। ठीक है, सोना बंद करिए, भोर में उठिए, पढ़िए, याद करिए। अब चलते हैं प्रश्न सात की ओर, प्रश्न सात है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है,
यहाँ पे जैसे श्लोक दिया था, अगर उसमें से आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका नंबर काट लिया जाएगा। आपको दो नंबर, दो ही लाइन लिखनी है, ठीक है? दो लाइन आप श्लोक लिख दीजिएगा, आपको दो नंबर मिल जाएगा। और ये याद रखिएगा कि वो जो कविता है, ठीक है, वो इसमें ना रहना चाहिए। श्लोक जो कविता है काव्य में से आपको यहाँ पे पेपर में ना दिया हो, अपने से लर्न कर लीजिएगा, बहुत ढेर सारे कविता है, ठीक है। प्रश्न आठ देखते हैं। प्रश्न आठ, निम्नलिखित किन्हीं में से दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है, जो कि आपको चार नंबर मिल जाएंगे। दो प्रश्न देंगे आपको, दो दो नंबर के रहेंगे, चार नंबर आपको मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, दूसरा प्रश्न है पुरुराजा कह आसित, तीसरा प्रश्न है चंद्रशेखर कह आसित, चौथा प्रश्न वीर केन पूज्यते। ये आपको चारों में से एक दो तो पता रहना चाहिए, जरूर पता रहना चाहिए, क्योंकि इतने चैप्टर हैं और 30% सिलेबस भी कटा हुआ था, ठीक है। प्रश्न नौ देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अब 9 नंबर का आने लगा। पहले 6 नंबर का आता था, अब 9 नंबर का आ रहा है। आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, मैं जितने भी आपको बता रहा हूँ। पहला पर्यावरण संरक्षण के उपाय, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा आतंकवाद कारण एवं निवारण, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तीसरा बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या लाभ हानि, ठीक है। और चौथा नारी सशक्तिकरण, ये भी आएगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, तो ठीक है। ये आपका 9 नंबर का रहेगा, जल्दी इसका सॉल्यूशन आपको अपलोड हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इसमें से प्रश्न आ रहे होंगे तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि मैंने ये प्रश्न किया, और घर पे अपने से रिवीजन करिए, जिससे कि आप बोर्ड में अच्छा नंबर ला सकें। नंबर लाएंगे तभी तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। मॉडल प्रश्न पत्र 2023 का था, अब बात इस वीडियो का 24 घंटे में आपको इसका सॉल्यूशन पूरा मिल जाएगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। पावर एजुकेशन पॉइंट।